आज बहुत ही अनफॉर्चुनेट और दुखद इंसिडेंट यहाँ पे एक पेश आया है। करीब इवनिंग के टाइम कोई 7:30-8 बजे के करीब जो हमें रिपोर्ट मिली, एक 3-4 साल की छोटी बच्ची को, माइनर को, लेपर्ड ने कहीं ट्रैप करके वो ले चुका है और ये भी जो एज रिपोर्टेड कि वो घर के पास से ही उसको लिया है। तन्नु बच्ची का नाम है और उसके पेरेंटेज गणेश कुमार और ये इधर बंजाला, अपर बंजाला जो नरोड फॉरेस्ट कंपार्टमेंट 60 के पास का ये वाकया पेश आया है। जैसे ही हम इसका पता चला है, हमने अपनी टीमें इमीडिएटली उधमपुर कंट्रोल रूम से डिस्पैच कर दी विद ऑल प्रिपेयरनेस और मैं यहाँ पे खुद पर्सनली इसको रैकी के लिए आया हूँ और हम ये इंश्योर करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि इस तरह का कोई इंसिडेंट इन फ्यूचर ना हो। और वैसे भी हम टाइम एंड अगेन जो लोगों को हमारा अवेयरनेस कैंप के ड्यूरिंग हम यही हिदायत करते हैं कि डॉन एंड डस्क के टाइम बच्चों को और ख़ासकर बुज़ुर्गों लेडीज़ को कभी भी अकेले नहीं छोड़ें, क्योंकि इस समय जो ये विंटर फॉल का टाइम है, इस समय जो वाइल्ड बीस्ट की मूवमेंट है वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा रहती है और इससे बचने के लिए जो सारे प्रिकॉशंस हैं वो बहुत ही मस्ट हैं लेने के लिए। हमारी तरफ से जो एरियाज प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर हैं, हमने कंसर्न टेरिटोरियल डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन जी ने लेटर्स ऑलरेडी लिखी हुई हैं कि जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बाहर का एरिया है उसकी रिस्पांसिबिलिटी जो टेरिटोरियल स्टाफ है उनको भी लेनी चाहिए, या इस तरह के इंसिडेंट्स अगर साइटिंग होती है तो वो हमें सूचित करें और हम इमीडिएटली अपने जो टाइपिंग केजेस हैं स्ट्रेटजिक लोकेशंस पर इंस्टॉल कर सकें। देखिए, इस समय जो हमने एज ऑफ नाउ 2 टीम्स हमारी कंट्रोल रूम टांडे से और सुध महादेव से, दोनों टीमों को हमने रवाना कर दिया है स्पॉट पे। टांडे वाली टीम को तो यहाँ पे कॉम्बिंग पे लगाया भी है, मैंने पर्सनली थोड़ी एरिया का कॉम्बिंग भी की है और सुध महादेव की टीम भी बहुत जल्द वहाँ पे पहुँचने ही वाली है।